हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में स्वागत है। आज हम यहाँ टैरो के सिक्स्थ कार्ड की बात करेंगे। टैरो डेक का जो सिक्स्थ कार्ड है वो है द लवर। द लवर कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है। ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, रिश्तों में अच्छे संबंधों को, बिजनेस पार्टनरशिप को दर्शाता है। ये कार्ड दर्शाता है कि आपके जीवन में प्यार देने और प्यार पाने की तीव्र इच्छा है, परंतु अपने व्यवहार में स्वार्थ को ना आने दें। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दो फिगर्स हमें नज़र आ रही हैं। एक मेल फिगर है यानी पुरुष फिगर है, और दूसरी फीमेल फिगर है यानी स्त्री फिगर है। इसमें आप देखें कि जो मेल है वो फीमेल की तरफ देख रहा है, और जो फीमेल है वो पीछे एंजल यानी जो देवता दिखाई दे रहे हैं उनकी तरफ देख रही है। इसका मीनिंग ये है कि ये कार्ड रिलेशनशिप में कमिटमेंट को दर्शाता है कि एक आदमी और औरत एक दूसरे से किस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध हैं। ये एक अच्छे रिश्ते की निशानी है। अगर आप यूनिवर्स एनर्जी को समझें तो आपको इस कार्ड का मीनिंग बहुत ही आसानी से समझ आ सकता है। हमारे यूनिवर्स में दो तरह की एनर्जीज होती हैं जिनकी अलग अलग फंक्शनिंग है। जैसे एक मेल एनर्जी होती है और दूसरी फीमेल एनर्जी है। मेल एनर्जी जो है वो ज्ञान, समझ, तर्क, लॉजिक को रिप्रेजेंट करती है, और वही फीमेल एनर्जी जो है वो इच्छा, प्यार, उत्साह, अभिलाषा, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। और पिक्चर में जो आपको देवता या एंजल नज़र आ रहे हैं वो दोनों एनर्जीज़ को संतुलित करते हैं, और जब ये दोनों तरह की एनर्जीज़ बैलेंस होती हैं तो इसे फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर कहा जा सकता है। इसलिए इस कार्ड को हर तरफ से अच्छा माना जाता है। अगर ये कार्ड रीडिंग में अपराइट यानी कि सीधा आता है तो इसे पॉजिटिव कार्ड मानते हैं। ये कार्ड प्रेम संबंधों को भी दर्शाता है। ये कार्ड एक स्पिरिचुअल कार्ड भी है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो एंजल दिखाई दे रहे हैं उन्होंने पर्पल कलर के कपड़े पहने हुए हैं। ये पर्पल कलर या ये जामुनी रंग जो हम देख रहे हैं ये हमारे थर्ड आई चक्रा का रंग है, इसलिए ये उनके स्पिरिचुअल कनेक्शन को दर्शाता है। आप पिक्चर में देखें, आपको कुछ बादल दिखाई देंगे। ये बादल भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, और जो सूर्य पीछे दिखाई दे रहे हैं ये जीवन यानी कि लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखें कि जो दोनों फिगर्स दिखाई दे रही हैं वो एक गार्डन में खड़े हुए हैं, और जो ग्रीनरी है वो शांति और मेंटल स्टेबिलिटी को दर्शाती है। इसका अर्थ है कि नेटिव अपने संबंधों को लेकर सेटिस्फाई है और उनके संबंधों में स्टेबिलिटी है। पिक्चर में देखें कि एक पुरुष जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है उसके पीछे एक पेड़ है जिस पर फ्रूट्स लगे हुए हैं जो गिनती में 12 हैं। न्यूमरोलॉजी में अगर 12 को ऐड करें तो नंबर 3 बनता है, जो कि पति ग्रह यानी जुपिटर का नंबर है जो ज्ञान और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। और पिक्चर में औरत के पीछे का जो पेड़ है वो दर्शाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, यानी कि क्या करना चाहिए और ज़िंदगी में क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप पिक्चर में देखें तो आपको एक पहाड़ जैसी आकृति नज़र आएगी जो एक ट्रायंगल बनाती है, जिसका अर्थ है कि इसका एक जो एंगल है वो हायर पावर के साथ दोनों एनर्जीज़ को जोड़ता है। ये ट्रायंगल अग्नि को भी रिप्रेजेंट करता है। अग्नि जो रिश्तों में पैशन की सूचक है, जुनून, उत्साह पैदा करती है, ये उस अग्नि का सूचक है। अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो ये कार्ड दो एनर्जीज, पॉजिटिव नेगेटिव, मेल फीमेल, दिन रात, ये सब तरह की एनर्जीज को बैलेंस करने का काम करता है। ज्योतिष के साथ अगर इसे जोड़ें तो ये कार्ड वीनस यानी शुक्र ग्रह का है। शुक्र ग्रह प्यार, रिश्तों में अच्छे संबंधों को, खूबसूरती को, लग्जरी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड मेजर एरकैना का सिक्स्थ कार्ड है, और न्यूमरोलॉजी में भी नंबर 6 जो है वो वीनस यानी शुक्र ग्रह का ही नंबर माना जाता है।
चलिए, ये तो था कि अगर रीडिंग में लवर कार्ड जो है वो सीधा आए तो उसका क्या मीनिंग हो सकता है। आगे हम करेंगे कि द लवर कार्ड अगर रीडिंग में रिवर्स्ड यानी कि उल्टा आए तो उसका क्या मीनिंग हो सकता है। अगर लवर कार्ड रीडिंग में उल्टा आ जाता है तो ये रिश्तों में प्रॉब्लम, झगड़े, तनाव को दर्शाता है। इससे डाइवोर्स, रिश्तों के टूटने और आपस में ठीक तालमेल ना होना या अट्रैक्शन में कमी जैसी बातें सामने आ सकती हैं। इसलिए ऐसे में एडवाइस है कि आप कोई भी फैसला जल्दी में ना लें, रिश्तों को सुधारने के लिए एक दूसरे को थोड़ा समय दें और थोड़ी दूरी बनाकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। तो ये एक जो रिवर्स कार्ड है उसे हम अच्छा नहीं मानते, इसलिए ये एक एडवाइस है। टैरो से रिलेटेड ये मेरी 7th वीडियो है। अगर आप दूसरी वीडियोस भी इससे रिलेटेड देखना चाहते हैं जिसमें हिंदी में टैरो के मीनिंग्स के लिए मैंने बताया है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप रूटीन में टैरो सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो जो टैरो से रिलेटेड है वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा कार्ड द लवर कार्ड, जिसके हमने अपराइट मीनिंग और रिवर्स मीनिंग के लिए जाना। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।